सो गाइज, वन प्लस की तरफ से फाइनली वन प्लस 8 सीरीज लॉन्च हो चुकी है और इसकी सभी डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वन प्लस 8 और इसके प्रो मॉडल के बारे में, और गाइज हम डिटेल में जानेंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है और आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन इनमें से परफेक्ट रहेगा। तो स्वागत आप सबका टेक लीवर पे, जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी टेक वीडियोज मिलती रहें। आप सबको पता है कि OnePlus 8 और इसका प्रो मॉडल, ये दोनों ही फ्लैगशिप ग्रेड के स्मार्टफोन्स हैं और OnePlus ने दोस्तों इस बार काफी हाई प्राइस पे इन दोनों स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की डिटेल्स के बारे में और देखते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। तो पहले अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो OnePlus 8 में आपको देखने को मिलती है 6.55 इंच की डिस्प्ले, जो कि फुल HD प्लस एमोलेड पैनल होने वाला है और दोस्तों ये 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। वहीं पे अगर इसके प्रो मॉडल की बात करें तो 6.7 इंच की एक क्वाड HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में अवेलेबल है। अगर डिजाइन की बात करें दोस्तों, तो सामने से दोनों स्मार्टफोन आपको सेम देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको दोनों तरफ से कर्व्ड ग्लास देखने को मिलता है और एक पंच होल का डिजाइन इसमें दिया गया है। तो डिस्प्ले वाइज दोस्तों आपको साइज में डिफरेंस देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको रेजोल्यूशन में और रिफ्रेश रेट में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइज, इन दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 865 चिपसेट और आपको 8GB से लेकर 12GB रैम तक के ऑप्शन देखने को मिलेंगे विद 128 और 256GB की स्टोरेज। जो इसका प्रो मॉडल है गाइज, वहां पे आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको LPDDR5 रैम देखने को मिलती है और वहीं पे दोस्तों आपको UFS 3.0 का सपोर्ट भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों आपको कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों स्मार्टफोन्स में, दोनों ही आपको फ्लैगशिप ग्रेड की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाएंगे। स्टिल दोस्तों प्रो मॉडल में थोड़ा सा एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों LPDDR5 रैम दी गई है, जो कि डेफिनेटली थोड़ी सी परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगी। दोनों ही स्मार्टफोन दोस्तों 5G के साथ में आते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है कि आपको दोनों स्मार्टफोन में 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो ये होने वाला है इनके कैमराज में। जो OnePlus 8 स्मार्टफोन है दोस्तों, उसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा होने वाला है 48 मेगापिक्सल का, इसके साथ एक 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। वहीं पे प्रो मॉडल में इस बार दोस्तों काफी सारी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं कैमरा के मामले में, और इसमें क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, उसके बाद 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 5 मेगापिक्सल का फोटोक्रोमेटिक लेंस देखने को मिलता है। तो गाइज, आपको OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन के अंदर काफी सारे एडिशनल फीचर्स और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कैमरा के मामले में, अगर इसको कंपेयर करते हैं OnePlus 8 से। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि पंच होल के अंदर लगा होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनकी बैटरी की, तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन में। OnePlus 8 में आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वहीं पे जो इसका प्रो मॉडल है दोस्तों, वहां पे आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगर चार्जिंग की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसके प्रो मॉडल में आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 30 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जो OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन है दोस्तों, ये पहला स्मार्टफोन है OnePlus की तरफ से जिसमें कि फास्ट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट इन्होंने दिया है, और इसके अंदर दोस्तों आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ और डिफरेंसेस की बात करते हैं तो दोस्तों, जो OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन है वहां पे आपको IP68 रेटिंग देखने को मिलती है, तो वाटरप्रूफिंग का फीचर भी आपको इसमें मिलता है, जो कि OnePlus 8 में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ डिफरेंसेस जो कि आपको देखने को मिलते हैं OnePlus 8 और इसके प्रो मॉडल में। अगर मेन डिफरेंसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रो मॉडल में आपको एक बड़ी और बेटर डिस्प्ले देखने को मिलेगी, आपको LPDDR5 रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, इसके अलावा दोस्तों आपको एक बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, वायरलेस चार्जिंग और IP68 की रेटिंग देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन आपको फ्लैगशिप ग्रेड की परफॉर्मेंस देंगे और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इन सभी स्पेक्स के साथ में। स्टिल दोस्तों एक कंप्लेंट है जो कस्टमर्स की, वो है इनका प्राइस। जी हाँ दोस्तों, इस बार प्राइस काफी हाई रखा है OnePlus ने। अभी तक दोस्तों इन्होंने इंडिया में जो इनकी प्राइस रहने वाली है वो अनाउंस नहीं की है, अभी देखना बाकी है दोस्तों कि इंडिया में इनकी प्राइस क्या होगी। अगर प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, तो ये अब फ्लैगशिप किलर नहीं है, अब इनको आप ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन कह सकते हैं, जो कि काफी हाई प्राइस पे अवेलेबल हैं। आप हमें बताइए दोस्तों कि ये दोनों स्मार्टफोन आपको कैसे लगे, और अगर ये 50,000 से ऊपर से स्टार्ट होते हैं तो क्या आप OnePlus की तरफ जाना पसंद करेंगे या फिर आप सैमसंग वगैरह की तरफ जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसी टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।